ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अंग्रेजों की वो कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस के पर्पस से शुरू की गई थी। पर बिजनेस करते करते कब उसने भारत को एक गुलाम देश बना दिया, इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, जिस कंपनी ने इंडिया को एक गुलाम देश बनाया था उसी कंपनी को आज एक इंडियन ओन करता है। जी हाँ, आज उस कंपनी का मालिक एक भारतीय। इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पर राज किया था, आज उस कंपनी का मालिक एक भारतीय है और उनका नाम है संजीव मेहता। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत ट्रेड के पर्पस से हुई थी, जो कि इंडिया और बाकी सभी देशों में स्पाइसेस ट्रेड करती थी। देखिए, 1857 में भारत का जब पहला विद्रोह हुआ था, भारत की पहली अपराइजिंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंड हो गई थी। लेकिन जब 2003 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ने टी और कॉफी को बेचना चाहा था, बस तभी जब इंडियन एंटरप्रेन्योर संजीव मेहता को इस बात के बारे में पता चला, तो उन्होंने 2005 में इस कंपनी और इस कंपनी के नाम दोनों को ही खरीद लिया। तो आज कुछ इस तरह से ये कंपनी हम इंडियंस के पास है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि भारतीयों से पंगा लेना कितना बुरा है। और अगर आज आप लंदन जाते हैं तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की शॉप में बैठकर चाय पी सकते हैं, बस फर्क इतना होगा कि वो आप लोगों को ब्रिटिश चाय सर्व करेंगे, लेकिन वहां पर दिए गए पैसे हम इंडियन की जेब में ही आएंगे। अब आप लोगों की इस कंपनी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।